वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? मेरा सब ठीक होंगे अलहमदिल्ला, हम भी सब ठीक हैं। तो अभी मैंने नमाज़ पढ़ी और हम जाने लगे हैं मेरे मामा वोट के लिए, तो बाहर जाके आपसे मिलते हैं। वोट पे मेरे मम्मी जाएंगे, बाकी सब सो रहे हैं, अंदर कोई भी नहीं। मैंने बस नमाज़ पढ़ी, बाकी सब बाहर हैं। मेरे मामा जा रहे हैं वोट पे और वो सामने है रोड। हमने बस दोनों सड़क जो है ना वो क्रॉस करके, रोड क्रॉस करके हमने दूसरी साइड पर जाना है। उधर बना हुआ है छोटा सा पार्क। चलो जी, मैं और मामा हम आ गए हैं पार्क में। अब मामा और मैं लगाएंगे यहाँ पे चक्कर। और ये साइड पे रोड है, ये मैंने पहले भी दिखाया हुआ है अपनी वीडियोस में। ये वाला पार्क जो है ना हमारे घर के बिल्कुल पास है, ये मैंने पहले भी दिखाया है। और बच्चे यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं। मैंने और मामा ने चार पाँच यहाँ पर चक्कर लगाए हैं। तो बस अब हम थोड़ी देर तक घर चले जाएँगे। अभी और लोग जा रहे हैं, आगे भी पार्क है, कुछ वॉक करके वापस जा रहे हैं। और यहाँ पे अंकल एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। सारी सो रही है। चलो मामा, चले जी, हम वॉक करके आ गए हैं। और आके अब मैं ये पीऊँगी रात को। इनको मैं भिगो के रख देती हूँ, इनमें कोई शुगर नहीं डाली, सिर्फ तुप मलंगा खाली है और सादा पानी, ठंडा पानी भी नहीं, नॉर्मल पानी है। ये हमारी मॉर्निंग ड्रिंक है समर की। अगर सर्दियाँ होती तो फिर हम शायद कोई कहवा बना लेते, कोई ज़ीरे का, या उसका क्या उसको बोलते हैं, कैरम सीड जिनको बोलते हैं, अजवाइन का। तो गर्मियाँ हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, तो हम ये पियेंगे। अब यहाँ पर बन रहा है जी मेरा नाश्ता, सुबह सुबह क्रिस्पी सा पराठा आलू वाला, आप देख सकते हैं। और ये बन रही है चाय। सुबह सुबह के टाइम है, सुबह सुबह के नहीं मतलब 11 बजे इसने मुझे बोला है कि आप मुझे नाश्ता बना दो। मैं सुबह मम्मी के साथ रोकर के आके लेट गई थी, मैंने भी अभी नाश्ता करना है जी, इसलिए चाय का नशर नशर हो गया। डालो कप में, मैं वही देख रही हूँ वो कि इतनी ज़्यादा बन रही है, वो पक गई है, कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा। बस बनाओ, आप देख सकते हैं, ये देख, किसी ने खाना तो आ सकता है। और ये मामा की चिड़िया आई हुई हैं, ये मामा ने रखी हुई हैं। आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही। और मामा इस यहाँ पे 3 टाइम हमसे पानी डलवाती हैं इनके लिए। तो आप भी अपने अपने घरों में ज़रूर परिंदों के लिए छत पे जहाँ भी छाँव हो पानी और इनके लिए थोड़ा सा डाला करें। इनकी भी क्या उसको कहते हैं, देखभाल हम नहीं करनी है, ये तो बेजुबान है। इनका ख्याल भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। और ये दुआ भी करते हैं और जो इनका ख्याल रखते हैं, ज़ाहिर बात है इनको भी अक्ल होती है, सारा पता होता है। तो बस मैं अब खाना बनाने लगी हूँ। आज हम बनाने लगे हैं आलू बैंगन, मैंने काट के रखे हैं, सब्जी वगैरह भी काटी है और लाइट जो है वो हमारी बंद है थोड़ी सी। खाना जो है मैंने ऊपर रख दिया है, प्याज हो रहे हैं हमारे ब्राउन और ये हमारे मसाले हैं, लहसुन अदरक सूखा धनिया गरम मसाला थोड़ा सा जो होते हैं नमक मिर्च हल्दी। बैंगन काट के अच्छे तरीके से वॉश कर लिए, टमाटर माशाल्लाह बहुत ही फ्रेश आजकल आए हुए हैं। और हम साथ बनाएंगे इसके चावल। और अभी ये डिसाइड नहीं हो रहा कि चावल जो है वो बॉयल बनेंगे या तड़के वाले। अम्मी मुझे कह रही हैं वैसे बॉयल बना लो, बॉयल बना लें जल्दी। मैं कह रही हूँ चलें बॉयल बन जाते हैं आज। मसाला हमारा जो है वो अच्छे तरीके से हमने भून लिया, तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमारे बैंगन है। बैंगन हमारे कम है, आधा किलो बैंगन है, 1 किलो आलू है। क्योंकि बैंगन जो है ना वो घर में सिर्फ मुझे, फातिमा को, शराफ को पसंद है, मामा पापा को नहीं पसंद। पापा को नहीं पसंद, मामा खा लेती हैं।
तो इसलिए कि वैसे आपको पता है बैंगनों की तस्वीर गर्म होती है, जो ऐसी गर्म सब्जियां ना वो हम वैसे ही कम रखते हैं, आलू ज़्यादा कर देते हैं। जैसे उस दिन हमने पालक बनाई थी, वो शायद मैंने नई रेसिपी शेयर की उस दिन, तो उस दिन पालक कम थी और आलू ज़्यादा थे। आज भी वैसे ही है, बैंगन ज़्यादा है, आलू बैंगन कम है, आलू थोड़े ज़्यादा हैं। तो रोज़ इंसान क्या बनाए, रोज़ जो है ना फिर समझ नहीं लगती, टींडे कद्दू ऐसी चीज़ें खा खा के तो जबान का जो टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फातिमा तो बिल्कुल भी नहीं खाती, उसकी वजह से आज ये मामा बैंगन लेके आई हैं, वरना आज हमें बैंगन नहीं बनाने थे। तो काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी कि अगर कोई सब्ज़ी बनानी है ना तो बैंगन बनाए, बैंगन गोभी ऐसी चीज़ें खा लेती हैं। हाँ जी बैंगनों को मैंने थोड़ा सा गला लिया, जैसे ये देखिए थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, बैंगन जो है थोड़े से हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे आलू, आलू इसमें डाल दिए हमने, अब हम इसको रख देंगे हल्की आंच पे जब तक हमारे आलू नहीं गलते। तो सिंपल सा आज का हमारा मेन्यू है, खाना हमारा रेडी है। यहाँ पर मैंने चावलों के लिए पानी रखा है, चावल यहाँ पर भिगो रही हैं, ये फातिमा खा के गई है, ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, पापा आने वाले हैं, 12:30 का भी टाइम हुआ है, तो बस ये खाना रेडी होता है फिर आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए जी खाने को देख लेते, लाइट आ गई थी तो मैं अंदर थोड़ा पसीना सुखाने गई थी पंखे के नीचे, क्योंकि यहाँ का फैन तो मैंने ऑफ किया हुआ है क्योंकि चूल्हे जल रहे हैं। तो सालन हमारा जो है वो बन गया है, और रोज़ समझ नहीं लगती क्या आप खाएँ, अम्मी रोज़ पूछ पूछ के हमसे क्या आप खाना है क्या आप खाना है, फिर जब वो अपनी पसंद की ले आती फिर हमें पसंद नहीं आती वो सब्ज़ी, और फिर फातिमा खाती नहीं है। चावल भी बॉयल हो गए हैं, सालन भी बन गया है, और बाबा भी आ गए हैं, बाइक अंदर भी की है, तो लेट्स मेक अ बाइट, एक प्यारी सी बाइट बनाते हैं। और वो हम किसे खिलाएंगे, वो हम खिलाएंगे आपी को, ये हम हर बहन आपी को खिला कर चेक करवाएंगे। ठीक है आप ही आ जाओ, क्या आ जाओ तुम चेक करो, पहले खाओ ना फिर रिव्यू मैं दूंगी, मुझे तो पता है सबको पता है कि खाना कैसा होता है हमेशा। मेरे मुंह के अंदर कैमरा कर दो तुम, बाइट ना डालना, छोटी कर देते हैं बाइट, जरा बच्ची आसानी से खा ले। आप कैसे बने हैं बताए नहीं, बहुत मजे की अपनी तारीफ खुद कर रही है बच्ची, नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ, सबको पता है कि हर बहन आपकी कुकिंग अच्छी है। अब पापा को खाना देंगे फिर हम आपसे मिलेंगे शाम को। जैसा कि आपने व्लॉग देखा है आज सारे दिन का, मैंने सुबह से तकरीबन कंटिन्यू किया हुआ है व्लॉग जो है वो, कोई 4:30 बजे मेरे नमाज पढ़ने के लिए उठी तो मैंने आज मामा को बोला था कि मैंने आज मामा आपके साथ रोड पे जाना है। हालांकि मैं कहती तो रोज़ उनकी अम्मी मैंने जाना है लेकिन मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन फाइनली आज मैं सुबह जब उठी थी तो मैंने ये सोचा कि नहीं मैंने आज जाना है, आज अब्बू नहीं गया, आज मैं अम्मी के साथ गई थी। तो बस वॉक से आके थोड़ा रात को लाइट ने बहुत तंग किया, उसकी वजह से भी नहीं थोड़ी डिस्टर्ब थी, तो सुबह जल्दी उठ गए। तो बस आके वॉक से पापा के लिए नाश्ता वगैरह बनाया, खुद नाश्ता किया, लाइट बंद है पीछे मामा है, आपने दुपट्टा क्यों नहीं लिया हुआ, और पीछे इधर मैं भी हूँ, प्लीज टर्न ऑफ, लेडीज दुपट्टा लेके रखा करो, कैमरा कभी भी खुल सकता है तो काट दूंगी, परेशान ना हो। खाना छाना खा के हम दोपहर को सोते हैं, जैसे कि हमारी रूटीन है, अभी उठे हैं, अभी मैंने चाय बनानी तो मैंने कहा क्यों ना मैं व्लॉग को भी अपने ऐड करूँ, पसीना आ रहा है, लाइट बंद है, तो वैसे भी जब मैं व्लॉग बनाती हूँ तो लाइट बंद ही, मैं फ़ैन बंद ही रखती हूँ, फातिमा जो है वो नीचे सफाई कर रही है, मैं खाऊँ नहीं आई बाजी नहीं आई, क्या हो गया, फैन वगैरह साफ़ हो रहा, अभी हम यहाँ पर बिछाएंगे चारपाइयाँ, धूप अभी है लेकिन हवा हल्की सी चल रही है, तो भाई कुछ जो वेदर है ना वो ठीक है कमरे की निस्बत, अंदर हबस होती है। अब फिर मैं मुझे बना के देंगे चाय, बना देंगे जी, चाय बताओ कैसी थी, बस अच्छी थी चाय, इतनी कच्ची थी ना कि आप, इसने मुझसे ऐसे बनवाई थी कि पहले इसने मुझे बोला आप ही मेरी तारीफ करो, मैंने इसकी तारीफ की मैसेज पे, इसने उस मैसेज का स्क्रीन शॉट लेके इंस्टाग्राम की स्टोरी लगाई और फिर इसने अपनी फ्रेंड्स वगैरह को दिखाया कि आप ही मेरी तारीफ कर रही हैं, ऐसे इसने मुझे चाय बना के दी थी कल दोपहर के टाइम, ये भी बताओ ना पूरा। चाय हमारी बन चुकी है और मैं आपको बता देती हूँ इससे पहले कि अंदर जाए, और मेरी बिस्ती हो चाय बनाई है और मैं ना पीने, और मैंने ना डाली है कप में, तो मैंने कहा अब मैं ज़रा ले जाती हूँ, मैंने कहा इससे पहले आप ही बोले कि मैंने बनाई है, ये भी बताओ, मैं खुद ही बहुत बता देती हूँ, ये लें, ये मामा, तो जी बस आज का व्लॉग यहीं तक था, फातिमा ने चाय बना दी, हम चाय पियेंगे शाम को, मैंने बनाई है चाय।
नहीं मैंने बनाया, मैंने खुद बनाई है। मम्मी बाइट बहुत ज़्यादा थी, मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं ज़रा ट्राई कर लूँ। और फातिमा को मैंने बोला कि चाहे तुम ले आओ, और अब हम देखेंगे ड्रामा जिसका कल लास्ट एपिसोड हो गया, न्यू शुरू हो रहा है, तो वो देखते हैं। हम देखते हैं इस टाइम, पापा भी आ जाते हैं, वो भी देखते हैं। तो और एक मैंने बात बोली थी कि मुझे कमेंट में किसने बोला था आपने हमारे बच्चों के नाम ले लिए हैं, तो ये अगर मैं कभी भूल जाऊँ तो प्लीज़ आप माइंड ना कीजिएगा, ठीक है। दुआ रहमान बहुत रायान नाम था, कामयाबी दे माँ बाप का फरमान। अच्छा, मोबाइल बार बार ज़्यादा हॉट हो रहा है इस वजह से। अगर मैं कभी मिस कर दूँ तो प्लीज़ आप माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि मैं अक्सर भूल जाती हूँ। और वैसे भी मेरी डेली ब्लॉगिंग है, मैं अगर रोज़ आपके नाम लूँगी तो फिर ये ब्लॉग कहीं का कहीं चला जाएगा। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा। लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना। बाय बाय।